बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए PSL 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। PSL, आई थिंक PSL से ज्यादा बदनाम कोई चीज इस पूरी दुनिया में होगी नहीं। जितनी बदनाम PSL हो चुकी है ना, पाकिस्तान सुपर लीग तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, हूं मैं पाकिस्तानी, बहुत प्यार है पाकिस्तान से, लेकिन जो हरकतें PSL में हो रही है ना, ये देख के ना PSL से तो कम अज कम प्यार नहीं रहा मुझे। और बहुत बड़ी जो है ये शादी है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़े बड़े जो है लोग, यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है इस शादी में जो है वो शिरकत करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को, ब्रावो को बुलाया गया है, राशिद खान को बुलाया गया है, शाही होप को बुलाया गया, और भी बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद है इसमें। कि 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हैं दुबई, दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। करण प्लॉट PSL छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। करण पोलार्ड जो कराची किंग का प्लैटिनम कैटेगरी में उठाए जाने वाला प्लेयर, PSL का महंगा तरीन प्लेयर, एक रिटायर्ड प्लेयर जिसको PSL में पिक किया गया था, वो भाई PSL छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया चला गया, ये बात है PSL की। हमेशा ऐसा ही होता है, या तो IPL की वजह से जो है वो खिलाड़ी चले जाते हैं, या तो पाकिस्तान में कोई सीरीज हो रही होती है उधर IPL शुरू हो जाता है, खिलाड़ी जो है वो दूसरी टीमें अपनी 20 सिटी में भेजती हैं पाकिस्तान में। अब PSL हो रहा था, PSL जब हो रहा था तो WPL भी शुरू हो गया, और WPL के चलते जो है लोग ज़्यादा WPL को देखने लगे बाहर के लोग, PSL की व्यूवरशिप भी कम हो गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। T20 लीग्स के बिजी शेड्यूल के दौरान आपने कई बार खिलाड़ियों को निजी कारणों के चलते ब्रेक लेते देखा होगा। इसमें अक्सर खिलाड़ी कोई इमरजेंसी होने पर ही ब्रेक लेते हुए दिखाई देते हैं, मगर क्या आपने किसी की शादी अटेंड करने के लिए किसी खिलाड़ी को लीग से ब्रेक लेते हुए देखा है? शायद नहीं। मगर वेस्टइंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी करण पोलार्ड ने यह काम कर दिया है। पोलार्ड इस समय पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, मगर उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग अटेंड करने के लिए लीग से कुछ दिनों का ब्रेक लिया है। हालांकि वो इस वेडिंग को अटेंड करने के बाद वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग जामनगर में हो रही है और पोलार्ड शुक्रवार 1 मार्च की शाम को पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में छोड़ वेन्यू पर पहुंच गए हैं। पोलार्ड को ऐसे PSL को ठेंगा दिखाने पर फैंस तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, बिल्कुल नहीं, करण पोलार्ड ने अंबानी की प्री वेडिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए PSL छोड़ दिया, PSL की कोई इज्जत नहीं है। एक और अन्य यूज़र लिखते हैं, अंबानी को PSL में खेलने वाले हर विदेशी खिलाड़ी को आमंत्रित करना चाहिए था, तब मज़ा आता। आपको बता दें कि करण पोलार्ड पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स टीम का हिस्सा है। उनकी टीम ने 28 फरवरी को अपना पिछला मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर से खेला था, जहां उन्हें 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कराची का अगला मुकाबला रविवार 3 मार्च को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि पोलार्ड इस मुकाबले से पहले टीम वापस लौट जाएंगे। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी ग्रेटेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर, सबसे अमीर शादी एशिया की जो होने जा रही है, रिचेस्ट पर्सन की, एशिया के रिचेस्ट पर्सन की, आप सब जानते हैं मैं किन का नाम ले रहा हूँ, अंबानी सर के बेटे की शादी है। तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर करण पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो करण पोलार्ड जा चुके हुए हैं, PSL 9 को छोड़ के जा चुके हैं, पूरी की पूरी कहानी की है। यही नहीं, और भी काफी सारी बातें मैं आपको आगे जाकर बता दूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। देखिए कि आप सब जानते हैं कि PSL 9 चल रही है और कराची किंग्स का ऐसा बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान करण पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की, 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई, दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट है ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब के जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह, साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, UAE के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। यही नहीं,
एमएस धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंच चुके। चलो ये मैं तो बात कर रहा हूँ ना क्रिकेटर्स की, अब बात करते हैं जरा फेमस पर्सनैलिटी की। लास्ट में हमें सबको याद है कि मैंने तो पता नहीं कितनी दफा इनकी बेटी की शादी की वीडियोस देखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है, और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है रेहाना का। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है। ये असलियत है पीएसएल की। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो घंटे का फैन है ना, ये जो छनकने हैं, ये जो पीली चप्पल चुप्पल टाइप के बंदे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, उत्तर पीएसएल को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, ना इधर खेलने वाला और ना टीवी पे देखने वाला कोई ओवर सीरीज प्लेयर, ठीक है, कोई बंदा सीरियस नहीं लेता। सबको पता है पीएसएल की असलियत क्या है। अब पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के ऊपर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर कैरन पोलार्ड को गालियां दी जा रही हैं, अंबानी को गालियां दी जा रही हैं, कह जी पहले आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, पहले आईपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, पहले डब्ल्यूपीएल ने पीएसएल को तबाह किया, अब अंबानी के बेटे की शादी की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। मतलब पीछे कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से पीएसएल तबाह हो रहा है। भाई अंबानी कोई छोटी चीज है, मुझे बताओ ना, उधर क्या कैरन पोलार्ड अकेला गया मैच देखने? ये औकात है आपकी? वो पीएसएल छोड़ के ना उसने बोला पूर कराओ, मैं भाई शादी अटेंड करने जा रहा हूं, ठीक है भाई, उसके बेटे की शादी है, उसमें बिल गेट्स भी आया हुआ है, उसमें दुनिया भर से हर बंदा, हर मशहूर सेलिब्रिटी आया हुआ है, हर मशहूर क्रिकेटर आया हुआ है, और पीएसएल को मेरा छनकना देख रहा है इधर बैठ के। ये असलियत है आपकी? नहीं, कैरन पोलार्ड पे भी पाकिस्तानी कुछ हैं, कुछ बड़े बड़े घंटे वो जो कह रहे हैं, कैरन पोलार्ड पे एक्शन लो। कैरन पोलार्ड किस तरह जो है वो छोड़ के, अभी मैं ट्विटर देख रहा था, ये मैंने काफी ज्यादा चीजें निकाल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि जी कैरन पोलार्ड पे एक्शन लेना चाहिए, कैरन पोलार्ड को पिक क्यों किया गया है, कि वो जी पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने चला गया। पुत्र वो छोड़ के नहीं गया, वो बता के गया है कि मेरे लिए जरूरी वो थी, ये पीएसएल जरूरी नहीं है। और वो तो रिटायर्ड प्लेयर है, मैंने पहले ही बोला था जिस क्रिकेट लीग में रिटायर्ड प्लेयर आके खेलते हैं या जिस क्रिकेट लीग में रिटायर्ड प्लेयर आके जो है वो खेलेंगे, बेटा क्या उस लीग का क्या फायदा होगा। आज क्या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भाईजान आज फाइनल था उनका, क्या उनकी सेरेमनी हुई है जो है वो एंडिंग, इसमें प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है जिसमें अवार्ड दिए जाते हैं, क्लास की उनकी नजर आ रही। कम से कम पीएसएल में कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, और 13 खिलाड़ी जो है मैच से बाहर। प्लेइंग 11 बनाना कराची किंग्स के लिए इतना मुश्किल था कि आप सोच नहीं सकते। किसी तरह से वो मैच उन्होंने खेला। उसके बाद अब एक और बड़ी खबर है जो कि रात को आ गई थी। बड़ी खबर यह है कि कैरन पोलार्ड, जो कि एक ही नाम ऐसा था कि जो कराची किंग्स के इस प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर रहा था, जिसने तकरीबन 2 मैच कराची किंग्स को जितवा भी दिए थे, अब कैरन पोलार्ड मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए सीधा सीधा पीएसएल छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं, और अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन वहाँ पर रहेंगे, और इन दिनों में 2 मैचेस तकरीबन जो है कराची किंग्स के खेले जाएंगे, जो कि कैरन पोलार्ड जो है मिस करने वाले हैं। अब कैरन पोलार्ड, आपको मालूम है कि पीएसएल से ज़्यादा उनका आईपीएल के साथ ताल्लुक है, मुंबई इंडियंस के साथ कितना गहरा ताल्लुक है उनका, कितने टाइटल उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाए हुए थे। अब जो है वो मुंबई इंडियंस में खेलते नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने देखा कि यार सीनियर प्लेयर है, इतना कुछ जो है हमारी फ्रेंचाइज को दिया हुआ है, तो पोलार्ड को उन्होंने कोच बना दिया, ठीक है। और अब जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है भाई, और बहुत बड़ी जो है ये शादी है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़े बड़े जो है लोग, यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है इस शादी में जो है वो शिरकत करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को, ब्रावो को बुलाया गया है, राशिद खान को बुलाया गया है, शाई होप को बुलाया गया, और भी बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद है इसमें, और साथ में जो है वो कैरन पोलार्ड को भी जो है बुलाया गया है कि भाई हमारा कोच है, तो वो भी जो है शादी अटेंड करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब कैरन पोलार्ड जो अचानक से पीएसएल को छोड़ के वहाँ से चले गए हैं भाई, कि भाई साहब मैं जो है वो अनंत अंबानी जो है उसकी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो यानी कि संडे को तो जो है वो कराची का एक मैच है,
वो तो पोलार्ड खेलने वाले ही नहीं है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है शायद वो भी पोलार्ड। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कायरन पोलार्ड के PSL छोड़ अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने की खबर को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।